हेलो दोस्तों, तो इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है, तो हम देखते हैं कि लिन टियान ज़ुआनलिंग को लेकर उस जंगल में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है, क्योंकि उसे कुछ ज़रूरी स्पिरिचुअल हर्ब फ्लावर्स कलेक्ट करना था। इस वजह से वो अपने मैप के हिसाब से आगे बढ़ रहा होता है, पर तभी वह उसको कुछ लोगों की आवाज़ आती है। लिन टियान अपनी इंस्टेंट आइज का इस्तेमाल करते हुए कई किलोमीटर दूर आगे तक देख लेता है कि आखिर क्या हो रहा है, जहां वो देखता है कि एक जायंट ड्रैगन स्नेक कुछ लोगों पे अटैक कर रहा है और वो लोग उसके अटैक से बचते हुए उस ड्रैगन पे अटैक कर रहे होते हैं। लिन टियान भी ज़ुआनलिंग के साथ एक पहाड़ी से उन्हें देखने लगता है, तभी उनका लीडर उसे देख लेता है और कहता है, लड़के तुम क्या देख रहे हो, इसे मारने में इनकी मदद करो। पर लिन टियान ज़ुआनलिंग को कहता है, चलो हम यहां से चले, यहाँ हमारा कोई काम नहीं, जिसके साथ ही वो दोनों वहां से चले जाते हैं। ये देखकर उनकी लीडर को बहुत ही गुस्सा आ जाता है कि इस लड़के ने मेरा हुक्म क्यों नहीं माना। दूसरी तरफ उनके लोग उस ड्रैगन स्नेक मॉन्स्टर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर उनसे वो संभाल भी नहीं पा रहा होता है। जिस पर एक आदमी अपने लीडर के पास आके कहता है, सर इसे कंट्रोल करना नामुमकिन है, क्योंकि हम यहाँ काफी देर से इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं पर हमसे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये काफी शक्तिशाली है। जिसके साथ ही वो आदमी बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन टियान ज़ुआनलिंग से कहता है, क्या तुम्हें ठंड लग रही है, क्योंकि अब वो दोनों इस जंगल के एकदम ठंड वाले एरिया में पहुंचने वाले होते हैं, जहां लिन टियान को स्पिरिचुअल फ्लावर्स मिलेंगे और यही वो जगह होती है जहां काफी ज्यादा ठंड होती है। जिस पर वो लड़की उसे जवाब देती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। जिसके साथ ही वो दोनों एक बहुत बड़ी चट्टान के पास पहुंच जाते हैं और ये चट्टान काफी बड़ा होता है, जैसे कोई एक दीवार हो। तभी लिन टियान को वो फ्लावर्स वहां कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे होते हैं, जिस पर वो चेक करने के लिए मैप देखता है और कहता है, मैप के हिसाब से तो हम सही जगह पर पहुंचे हैं, पर उन गूस फ्लावर्स को यही होना चाहिए था, तो मुझे यहाँ कुछ भी क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। इस पर वो परेशान होते हुए सोचता है कि कहीं मैंने देर तो नहीं कर दी, या फिर हो सकता है कि वो गूस फ्लावर अभी तक ग्रो ही ना हुआ हो। जिसके साथ ही वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, पर तभी वहां उस लीडर की आवाज आती है जो कि लिन टियान से कहता है, लड़के वही रोको। तभी वो लीडर अपने सभी सोल्जर्स के साथ वहां उसके सामने आ जाता है, जिस पर वो लिन टियान से कहता है, लड़के जब मैंने तुमसे मदद मांगने को कहा तो तुम पीठ दिखाकर वापस क्यों चले गए, तुमने हमारी मदद क्यों नहीं की। जिस पर लिन टियान जवाब देता है कि मेरी मर्जी, मैं तुम्हारी मदद करूं या ना करूं, और तुम होते कौन हो जिसके मैं ऑर्डर फॉलो करूं। ये सुनकर वो लीडर तुरंत ही अपने एक साथी को लिन टियान को सबक सिखाने के लिए भेज देता है, पर तभी एक आदमी लिन टियान से कहता है, बच्चे तुम्हें समझ नहीं आती, ये हमारा लॉर्ड ज़ुआन जी है जो कि फर्स्ट क्लास का अरे कंट्रोलर है, तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा तुम जल्दी से इसे माफी मांगो, तभी हम तुम्हें माफ कर देंगे। जिस पर वो आदमी लिन टियान के पास आके कहता है, और अगर ऐसा नहीं करते तो मैं तुम्हारी बहुत बुरी तरह पिटाई करूंगा, फिर मुझ पर ब्लेम मत करना। जिस पर लिन टियान जवाब देता है, तुम सही कह रहे हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसके साथ ही वो एस्केप टेक्निक की टेलीपोर्टेशन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक सेकेंड में उसके पीछे आ जाता है और तुरंत ही उसे एक जोरदार पंच मार देता है, जिससे वो दूर जाकर एक पेड़ पर जाकर लगता है। इस पर लिन टियान उसके लीडर से कहता है, तुम सिर्फ अपने एक ही आदमी से किसी पर अटैक करवाते हो और बाकी सिर्फ तमाशा देखने आते हैं। इस पर लॉर्ड ज़ुआन जी जवाब देता है, आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा ही जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि इनको अपने इस गुस्से की वजह से कितना लंबा सफर करना पड़ सकता है। इस पर लिन टियान जवाब देता है, तो ठीक है, यहां देख लेते हैं कौन सबसे ज्यादा लंबा सफर करेगा और इस सफर करने की वजह से उन्हें कितना लॉस्ट होगा। पर तभी लिन टियान को कुछ महसूस होता है, जिस पर वो तुरंत ही इधर उधर देखता है और उस पूरी जगह में अचानक से फोग फैल जाती है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि एक गोरिल्ला बीस्ट एक आदमी पे अटैक करके उसे मार देता है और वो उसका सारा खून पी जाता है। इसे देखकर वो सभी काफी डर जाते हैं, क्योंकि ये एक थर्ड लेवल का मॉन्स्टर होता है जो काफी ताकतवर होने के साथ कहीं भी अकेले खुद शिकार नहीं करता। जिस पर लॉर्ड ज़ुआन जी सभी को कहता है कि अगर ये यहाँ पहुंचा है तो इसके बाकी साथी भी यहाँ होंगे और यहाँ इसके बाकी साथी भी जल्दी आ जाएंगे। इसे सुनकर उन सभी की पूरी तरह फट जाती है। इसके साथ ही उस गोरिल्ला के बाकी साथी भी वहां पहुंच जाते हैं। ये देखकर एक आदमी डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करता है, पर तुरंत ही एक गोरिल्ला उस पर अटैक करके उसे मार देता है और बहुत बुरी तरह उसे खाने लगते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि उस गोरिल्ला एप का पूरा झुंड वहां
पहुंच जाता है। इसे देखकर लिन टियान जुआनलिंग से कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा। पर तभी लॉर्ड जुआनजी उसे कहता है कि इतनी आसानी से हम तुम्हें जाने कैसे दे सकते हैं, क्योंकि तुम ही तो इन गुरीला एप्स का काना हो, तो तुम्हें यही रहना होगा। इसके साथ ही उसके आदमी लिन टियान को घेर लेते हैं। दूसरी तरफ वो गुरीला बीच भी उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहे होते हैं। तभी लॉर्ड जुआनजी अपनी मैजिकल फोक की मदद से वह चारों तरफ इंस्टेंट फोक पिला देता है, जिसे स्मेल करने के बाद सभी गुरीला बीच उन्हें इग्नोर करने लगेगी और सिर्फ लिन टियान पे अटैक करेगी। उसका एक आदमी उसे कहता है कि मैजिक ज्यादा देर तक नहीं रहती, तकरीबन 15 मिनट तक खत्म हो जाती है, तब हम इन गुरीला बीच से कैसे बचेंगे। इस पर लॉर्ड जुआनजी जवाब देता है कि इसके लिए भी मेरे पास एक सलूशन है, तुम उस बच्ची को मेरे पास ले आओ, क्योंकि इस तरह के मॉन्स्टर जो होते हैं वो यंग फ्लैश को ज्यादा खाना पसंद करते हैं। जब ये मॉन्स्टर लिन टियान को पूरी तरह खा जाएंगे, तब हम इस बच्ची को इन मॉन्स्टर की तरफ फेंक देंगे, और जब ये मॉन्स्टर इस बच्ची को खाने में बिजी होंगे तब हम यहाँ से भाग जाएंगे। तभी एक आदमी जुआनलिंग की तरफ बढ़ते हुए लिन टियान से कहता है, तुमने हमारे बॉस की बात सुनी ना, इसलिए रास्ते से हट जाओ और इस लड़की को मेरे हवाले करो। इस पर लिन टियान जवाब देता है कि मैंने तुम्हारे जैसे भी शर्म इंसान को आज तक नहीं देखा, पर तुम लोग तो इतने घटिया हो कि अपनी जान बचाने के लिए एक लड़की का इस्तेमाल करना चाहते हो। पर जैसा कि तुम लोगों ने कहा, इन मॉन्स्टर को काफी ज्यादा भूख लगी है, तो इनके लिए तुम सभी काफी रहोगे और यहाँ मैं नहीं तुम लोग मारे जाओगे। इसके साथ ही वो जुआनलिंग को कहता है, तुम पीछे रहना, मैं इन सभी को सबक सिखाता हूँ। इस पर मिस जुआनलिंग तुरंत ही पीछे हो जाती है। इसके साथ ही लिन टियान अपनी डिवाइन सोर्ड निकालते ही उन पे स्वॉर्ड स्लैश अटैक कर देता है, जिसे कुछ आदमी उसके अटैक को से खुद को बचा लेते हैं और एक आदमी उसके स्लैश अटैक को रोककर डिफेंड करने की कोशिश करता है। पर इतने में ही लिन टियान उस पे स्वॉर्ड से अटैक करके उसका सीना चीर देता है, जिससे वो वही गिरकर मर जाता है। इसे देखकर लॉर्ड जुआनजी को काफी गुस्सा आ जाता है कि तुमने मेरे आदमी पे अटैक करने की हिम्मत भी कैसे की। इस पर लिन टियान अपनी स्वॉर्ड उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, इसके बाद अब तुम्हारी बारी है। इस पर लॉर्ड जुआनजी अपने साथियों से कहता है कि यह अकेला है, चलो मिलकर इसे जान से मार देते हैं। इसके साथ ही वो सभी लिन टियान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो दोनों आदमी मिलकर अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट करते हुए तुरंत ही लिन टियान पे अटैक करने लगते हैं। पर तभी लिन टियान अपनी एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उनके अटैक से बचते हुए फ्लैश के स्पीड से भी तेज रफ्तार से भी तेज उन दोनों पे स्वॉर्ड से अटैक करके उन्हें मार देता है, जिससे वो दोनों ही वहां गिरकर मर जाते हैं। इस पर लिन टियान जुआनजी को कहता है, अब मैं तुझे जान से मारने वाला हूं और मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। जिस पर लॉर्ड जुआनजी अपने बाकी दोनों साथियों से कहता है कि इसे जल्दी से पकड़ो, मैं अभी इसे अपने फॉर्मेशन का मजा सिखाता हूं। ये सुनकर वो दोनों आदमी लिन टियान की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसके साथ ही वो दोनों मिलकर तुरंत ही लिन टियान पे स्वॉर्ड से अटैक करने लगते हैं। लिन टियान भी उनके अटैक को डिफेंड करते हुए उनसे फाइट करने लगता है कि तभी मौका देखकर लॉर्ड जुआनजी तुरंत ही अपना स्क्रिप्चर निकालकर उसकी मदद से फॉर्मेशन अरे क्रिएट करता है, जिससे काफी सारी एनर्जी निकलनी शुरू हो जाती है। ये देखकर लिन टियान तुरंत ही उन दोनों आदमियों पर अटैक करते हुए उन्हें पीछे कर देता है और लॉर्ड जुआनजी की तरफ भागकर तुरंत ही उस पर अटैक करने लगता है। इस पर लॉर्ड जुआनजी उसे कहता है, बेटा अब तुमने बहुत देर कर दी। लिन टियान जैसे उस पर अटैक करता है, वो अपनी आरे फॉर्मेशन पावर्स की मदद से उसे रोककर पीछे कर देता है। पर तभी हम देखते हैं कि लिन टियान ने उसके आरे फॉर्मेशन स्क्रिप्चर टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। इसे देखकर लॉर्ड जुआनजी भी काफी शोक हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है। पर तभी तुरंत ही लिन टियान उसे लात मार के नीचे गिरा देता है। इस पर लॉर्ड जुआनजी उसे कहता है, तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मेरे पास अरे आर्टिफैक्ट है, इसका मतलब मैं एक अरे कंट्रोलर हूँ। इस पर लिन टियान जवाब देता है कि ऐसा है क्या, तुम एक ऐसे अरे आर्टिफैक्ट की बात कर रहे हो, है ना। इसके साथ ही लिन टियान अपना अरे आर्टिफैक्ट उसे दिखाता है। इसे देखकर लॉर्ड जुआनजी भी काफी शोक हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है, तुम तो अभी बच्चे हो, आखिर हो कौन तुम, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने सुना था कि हमारे गाँव में एक जीनियस डिसेबल अरे कंट्रोलर बन गया है। इस पर लिन टियान जवाब देता है, वो मैं हूँ। इसे सुनकर लॉर्ड जुआनजी उठकर तुरंत ही उसके सामने झुकते हुए माफी मांगने लगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हुई है। इस पर लिन टियान उसे कहता है, तुम एक अरे कंट्रोलर हो और इसके बावजूद तुम दूसरे मासूम लोगों की जान का सौदा करते हो, तुम्हें दूसरे की परवाह नहीं है तो मैं तेरी क्यों परवाह करूं। जिस पर वो सभी गोरिल्ला मॉन्स्टर उस पर अटैक करके उसे जिंदा खाने लगते हैं, जिसे वो सब देखने लगते हैं। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों इसका अगला पार्ट भी मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।